नमस्कार, आप सभी के एक बार फिर से स्टडी मेंटर पर स्वागत है। आज से हम एक नई टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि जनरल स्टडीज़ के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि पीसीएस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। जैसा कि आज हम बीपीएससी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 2015 के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जनरली ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी के अलावा यूपीपीएससी, सीडीएस, सीपीएफ, यूपीएससी के एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है किसी भी विषय का, तो वो सभी के लिए सामान्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, और साथ के साथ उनसे जुड़े जो डिस्क्रिप्शंस होंगी या जो कॉन्सेप्ट्स होंगी, जो फंडामेंटल चीज़ें हमें जाननी चाहिए जो उससे जुड़ी हुई हैं, या अन्य क्वेश्चन करने के लिए हमें आवश्यक है, वो हमें अगर फ़ायदा पहुंचा सकता है अन्य क्वेश्चन को करने के लिए, तो हम उन चीज़ों को जानेंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगी, जहाँ आवश्यकता नहीं होगी, हम तुरंत अगले क्वेश्चन में आ जाएंगे, ताकि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, चलिए इन सब चीज़ों को हम शुरू करेंगे। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे टिक कर दें, ताकि जो नए वीडियो डाले जाएंगे वो आपको प्राप्त हो सकेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको जो है रिसेंट अपडेट में अपने आप दिख जाएगा जब आप यूट्यूब खोलेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी करते हैं, तो आप हमारे ग्रुप बीपीएससी मेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रुप है, आप अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड हैं, तो अगर आप सीटेट मेंटर को हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या बीपीएससी मेंटर को ज़रूर ज्वाइन। मैंने नीचे जो है आपको कमेंट में लिंक प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मान लीजिए कि अगर आप एक नए स्टूडेंट हैं, आपको ये नहीं पता है कि ज्योग्राफी के लिए कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, तो बेसिकली एनसीईआरटी सजेस्ट की जाती है। आप चाहे तो एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, अच्छी है अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम नहीं है और अगर आप चाहते हैं कम समय में जल्दी जो है मैं चीज़ों को कंप्लीट करूं, तो मैं दो बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन दो किताबों को पढ़ सकते हैं। पहली किताब आती है महेश बर्णवाल की, ठीक है, समग्र भूगोल। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको ये किताब कैसी है। और एक आती है पेरियार पब्लिकेशन की, भारत का भूगोल। अगर इंडियन ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो भारत का भूगोल जो है पेरियार की काफ़ी अच्छी है। महेश बर्णवाल में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों दी हुई है। ठीक है, तो आप महेश बर्णवाल को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो पेरियार को भी ले ले और महेश बर्णवाल को भी ले ले। जब आप पेरियार पढ़ लेंगे, तो महेश बर्णवाल में जो इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन है उसे आप छोड़ दीजिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सेक्शन महेश बर्णवाल से कर लीजिएगा। ठीक है, आप इसे अपने नियरेस्ट बुक शॉप से भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं मिल रही है, तो आप उसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये दोनों किताब हैं। एक तो ये पेरियार का भारत का भूगोल है हिंदी मीडियम में, ठीक है। अगर इंग्लिश मीडियम में इसका देखें, तो ये इसका इंग्लिश मीडियम में है, पेरियार ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी किताब, जो पहली किताब मैंने बोली थी महेश बर्णवाल की, ज्योग्राफी अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी, समग्र अध्ययन हिंदी में बोलते हैं, तो ये अपडेटेड है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये 2013 का पब्लिकेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 11 के बाद की सारी चीज़ें जो हैं अपडेटेड है, ये भी किताब, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये किताब भी आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं अमेज़न से, या फिर अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में ये होगा। भूगोल एक समग्र अध्ययन, अच्छी किताब है। यहाँ पे प्रिंटेड मिस्टेक है, देखिए 31 दिसंबर 1899 लिख दिया गया है गलती से, अमेज़न के द्वारा जो टाइप किया गया होगा उनसे गलती हो गई है। तो आप इस किताब को अपने नियरेस्ट बुक शॉप से भी ले सकते हैं, या मैं इसका लिंक जो है नीचे कमेंट में आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर अमेज़न से बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस को देखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, लूनी, नर्मदा और ताप्ती, ए और बी दोनों, बताइए कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि ये
दोनों कॉम्बिनेशन की जो नदी है, अगर ये इंडिया का नक्शा हम मान ले, तो ये यहाँ से गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्र, उसके बाद जो है महानदी यहाँ पे उड़ीसा के पास से, उसके बाद कृष्णा है, कावेरी है, तो ये सभी जो है यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे है अरबियन सी, एस कह सकते हैं अरबियन सी, ठीक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है उसमें देखिए लूनी है और नर्मदा तथा ताप्ती है। तो लूनी हम जानते हैं कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र से होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। कच्छ और खंभात दो याद रखिएगा, ऊपर वाला कच्छ है, नीचे का खंभात है, यहाँ पे खंभात होगा, ऊपर वाला कच्छ है, तो खंभात में नर्मदा और ताप्ती आकर गिरती है, ठीक है, और कच्छ में लूनी गिरती है। तो ये याद रखिएगा, ये बेसिक अंतर है। अगर कभी कभी ये पूछ सकता है कि कच्छ और खंभात में कौन उत्तर में है, कौन दक्षिण में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में यारलुंग जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्रा है। तीसरा नंबर, भारत में प्रति व्यक्ति वन का क्षेत्र औसत कितना है, मतलब कि हेक्टेयर में पूछा गया है कि भारत में कितना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, नन, मतलब इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि भारत में 0.08 हेक्टेयर है, जबकि वर्ल्ड में 0.64 हेक्टेयर है। चौथा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो बिहार है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो क्वेश्चन, जो इसको समझिएगा अच्छे से कि कृषि की जाने वाली, ठीक है, कृषि भूमि कहाँ पे जो है 60% से कम है, तो वो बिहार में है। बहुत सारे रीजन है, बाढ़ है, सूखा है, या जो है उसका बेहतर उपयोग नहीं किया जा रहा है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो चार का राइट आंसर बिहार है। पांचवा देखिए, पांचवा है इसमें, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे अवस्थित है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर कहाँ है, पहले एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा, चौथे में एक चीज़ छूट रही है मुझे लग रहा है, कि इसमें जो बिहार में, तो कुल बिहार के जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में केवल जो है अगर बात करें तो 52.79 लाख हेक्टेयर भूमि ही कृषि योग्य है या कृषि की जाती है, ठीक है। और सर्वाधिक फसल की सघनता जो है बक्सर में सर्वाधिक है, और बक्सर में 82.7% है, ठीक है, मतलब कि फसल की जो सघनता है, कि सर्वाधिक फसल के उपयोग, और न्यूनतम जो है दरभंगा जिले में है, जो कि 1.14% है, ठीक है। ये याद रखिएगा, जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा इतना डेप्थली, लेकिन फिर भी जान लीजिए। अगला देखिए, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पे है? तो ये डी, कृष्णा नदी पे है, ठीक है। भारत में जो कि इसमें एक चीज़ और, कृष्णा जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा कभी भी। छः नंबर देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर है दिग्बोई। दिग्बोई कहाँ पे है? तो ये असम का एक शहर है, जो कि सबसे पुराना तेल भंडार के रूप में जाना जाता है। सात नंबर, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अर्थात मध्य प्रदेश और उड़ीसा। अगर हम ये बात करें कि लौह अयस्क के उत्पादन में कौन प्रथम स्थान पे है, तो उड़ीसा प्रथम स्थान पे। इसके बाद जो है कौन कौन आएगा? तो इसके बाद है कर्नाटक के एन, ठीक है, उसके बाद गोवा सी एच, झारखंड, उसके बाद झारखंड। तो खैर इतना याद नहीं रखना है आपको, केवल फर्स्ट याद रखिए, बहुत है, उड़ीसा याद रखिए, कर्नाटक याद रखिए, काफ़ी है। झारखंड का झड़िया क्षेत्र मुख्यतः किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये सामान्य सा है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आठ नंबर, और यहाँ पे जो है बिटुमिनस टाइप का कोयला प्राप्त होता है, जो कि झरिया क्षेत्र जो है वहाँ से बिटुमिनस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी सेक्शंस के हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, ताकि हर तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसमें पूछा है कि पेनाइल जो कि यूरोप में है, अपलेशियन अमेरिका में है, और अरावली जो भारत में है, किस प्रकार का की पर्वत श्रेणी है? तो ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला एक प्रकार होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसमें पुरानी पर्वत श्रृंखला को माना गया है। पुरानी भी वही है, अवशिष्ट का मतलब ही होता है कि जिसका अवशेष जो है, अवशेष मात्रा बचा हुआ है, मतलब कि काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है।
अगला देखते हैं, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन देश है? तो इसका जो राइट आंसर है सी है, अर्थात यूएसए। ठीक है, जो 2012 का आंकड़ा था उसके अनुसार जो है ये माना गया है कि यूएसए में जो है 1950 हज़ार टन, 1,95,000 टन, ठीक है, जो उत्पादन है इसका इतना है। भारत में 1700 हज़ार टन है, ठीक है, और फ्रांस में 349 हज़ार टन है, और इटली में 110 हज़ार टन है। तो ये सब याद रखना ज़रूरी नहीं है, आप यूएसए याद रखिए काफ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये लंदन होगा राइट आंसर। आगे आते हैं, शिशु मृत्यु दर का क्या मतलब है? तो ये ऑप्शन इसका थोड़ा लेंदी था, तो इसे हम सीधे समझते हैं कि प्रत्येक 1,000 जीवित जो जन्म मतलब बच्चे जो जन्म लिए हैं, जो कि जीवित हैं 1,000 बच्चे, उनमें से अपने पहले बर्थडे मनाने से पहले जितने बच्चे जो है मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि जन्म तो उनका स्वस्थ हुआ था, मतलब कि नॉर्मल हो गया था जन्म, लेकिन 1 साल के होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, तो उसी संख्या को जो है शिशु मृत्यु दर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखिए, सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? ये बहुत आसान है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा। इसमें जनरली ऑस्ट्रेलिया को लेके, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है एक आइलैंड है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो कनाडा है। और अगर हम बात करें कि कितना है, तो ये 2 लाख, लगभग 2,02,080 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का 25,750 किलोमीटर है, और भारत में और कम है, आपको पता ही है, 7,516। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर देखिए, विश्व के शहर जो और नदी जिनके किनारे वो बसा हुआ है, तो ये मिला दिया गया है, रोटरडैम राइन के किनारे है, पेरिस सीन नदी के किनारे, सीन या साइन दोनों आता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक बार असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम 2013 का मैं पेपर सोल्व कर रहा था, उसमें जो है ये साइन लिखा हुआ था, इंग्लिश में ठीक था, हिंदी में साइन लिख दिया था उन्होंने, तो ये ध्यान रखिएगा। बूडापेस्ट, डेन्यूब, ठीक है, वाशिंगटन, पोटोमैक। 15 नंबर, इनमें से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? तो ये ले है, जो कि सबसे सूखा स्थान है, क्योंकि ये शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण जो है ये सबसे ज़्यादा सूखा है, और भारत भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समूह की पहचान नहीं की गई है? मतलब कि इस राज्य में ट्राइब्स जो है नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली जो ऑप्शंस आपको पता है नहीं है, तो उसे काटिएगा, तो आप राइट के नज़दीक में आप पहुंचते चले जाएंगे, तो ये हरियाणा इसका राइट आंसर था। ठीक है, 17 नंबर, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में है, लेकिन ये दिल्ली एनसीआर में गिना जाता है, मतलब कि एनसीआर में है। 18 नंबर, वर्ष 1945 में नागासाकी पर गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयोग किया गया था? ऑप्शंस देखिए, और इसमें जो राइट आंसर है वो है प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम का प्रयोग इसमें किया गया था, जो कि 1945 में नागासाकी में, नागासाकी कहाँ है, तो ये जापान का एक शहर था, अब शहर था क्या है, और इसमें जो है ये जो विस्फोटक है वो गिराया गया था, प्लूटोनियम। ठीक है, प्लूटोनियम 239, 239, 239, ठीक है, जबकि नागासाकी और हिरोशिमा दो शहरों पे गिराया गया था, आपको याद होगा, तो नागासाकी पे ये गिराया गया, और यूरेनियम गिराया गया था हिरोशिमा पे। ठीक है, और इसमें जो प्रयोग किया गया था 235, यहाँ 239 है और यहाँ पे 235 है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, या ऐसा कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, आगे बढ़े, 19 नंबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये कॉपरनिकस साहब के द्वारा बताया गया था। चलिए आगे आते हैं, ये बीपीएससी का ही 53वीं से 55वीं का क्वेश्चन है, काफ़ी फंडामेंटल्स क्वेश्चन है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? अक्षांश और देशांतर में आपको मुझे नहीं लगता कि कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि नहीं भी होना चाहिए जब आप एक स्टूडेंट हैं और सिविल्स के लिए या फिर कंपिटेटिव एग्ज़ाम्स ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की या 12th स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड बोलते हैं अक्षांश को, तो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई रेखा, मतलब अक्षांश लेटी हुई रेखा होगी, और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, देशांतर मतलब ये देशांतर को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड की वो रेखा जो कि खड़ी है, खड़ी रेखा बोल सकते हैं इसे, और इसे बोल सकते हैं लेटी हुई रेखा। तो ये कन्फ्यूजन कन्फ्यूज नहीं होइएगा कभी भी। तो इसमें जो अमृतसर है और शिमला है, अमृतसर है पंजाब में और शिमला कहाँ पे है, तो ये HP में है। दोनों जो है सेम अक्षांश पे है, मतलब कि एक ही अक्षांश पे होगी, और इनमें भिन्नता के क्या कारण है? तो समुद्र की दूरी का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी ऑप्शंस कटेंगे। तो इनकी ऊंचाई में भिन्नता है, क्योंकि शिमला जो है ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्र है, आपको पता होगा कि पर्यटक शहर है, तो इसलिए जो है यहाँ की जलवायु में भिन्नता आती है। ठीक है, 21 नंबर देखिए, भारत की अधिकतम गेहूँ उत्पादन कौन से राज्य के द्वारा की जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि बहुत बड़ी जो है क्षेत्रफल है इसके पास, तो यहाँ पे जो है और क्लाइमेट भी काफ़ी उपयुक्त है, इसलिए 2 पे पंजाब आता है और 3rd पे हरियाणा आता है, ये भी याद रखिएगा अगर पूछा जाता है तो, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में, ए राइट आंसर है। लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण प्राप्त होता है? तो इसमें जो है सभी प्रकार के कण उपस्थित होते हैं, इसमें बालू के कण भी हैं, चिकने कण भी है, पांसु कण भी है, सभी उपलब्ध होते हैं, तो लोम मिट्टी में ये सारे कण पाए जाते हैं। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी के द्वारा प्राप्त होता है? तो ये इसका भी आंसर वही है, लोम मिट्टी, इसी में जो है सभी तरह के जो है सर्वाधिक मात्रा में, सभी तरह के नहीं मतलब कि सबसे अधिक पानी जो है प्राप्त होता है। 25 नंबर, किस मिट्टी में केसिका अर्थात कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो ये चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक केसिका अर्थात कैपिलरीज प्रभावशाली होता है। ठीक है, फिर हम जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जो है चीज़ें समझ आई होंगी, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहें। ठीक है, नमस्कार।